हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ का, जो दो पोस्ट आई थी, तो उनके लिए हमारा एक सीरीज जो है वो चल रही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। बेसिकली इसको दूसरी भाषा में इसको हम रीजनिंग भी बोल सकते हैं। और मैंने भी जो लास्ट के कुछ पेपर्स हैं जिनको मैंने एनालाइज किया है, तो मैंने वहां पर देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वही मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर आज 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर जो रहने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपके जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो ब्रशअप हो जाएंगी, और उनको देखने और उनको करिए आप, और ऐसे ही आप फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होने वाले हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, पहला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गिवन है, इसको आप देखिए यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, बी स्टैंड फॉर एडिशन, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डी स्टैंड फॉर डिविजन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। आप मेरे पीछे यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है और यहाँ पर आपसे बोला है कि ए का मतलब कुछ, मतलब या तो एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब अल्फाबेटिकल के जो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनका कुछ ना कुछ किसी जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनसे कोई एक साइन का मतलब है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे ए का मतलब सब्ट्रैक्शन है, बी का मतलब एडिशन है, सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और डी का मतलब डिविजन है, तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पर, सिर्फ मुझे इन अल्फाबेट्स की जगह जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऑपरेशन दिया गया है उसको लगाना है और देन इस क्वेश्चन को मुझे आगे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए, तो ए की जगह मुझे बोला गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बी की जगह मुझे बोला गया एडिशन, है ना, सी की जगह बोला गया मल्टीप्लीकेशन और एक डी की जगह बोला गया मुझे डिवीजन। तो ये मैंने यहाँ पर साइन लगा दिए हैं। अब जस्ट मैं यहाँ से नंबर को जो मैं एचटी उसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क रूल के अकॉर्डिंग, दिया जाएगा 8 - 6 + 15, ठीक है, 15 और 8 23, 23 में से 6 गए 17, ठीक है, 17 मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा और यहाँ पर 17 जो है थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलोग, ऑल पिजन्स आर क्रोज, नो क्रो इज अ बर्ड, कंक्लूजन क्या गिवन है? सम क्रोज आर पिजन्स, सम पिजन्स आर बर्ड्स, नो पिजन इज अ बर्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसके लिए हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, वहां से हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वो डायग्राम बनाएंगे एंड देन जो हमारे कंक्लूजन है फिर हम उनको सेटिस्फाई करते हैं कि वो वहां से वो पॉसिबल है या फिर वो नहीं है, ठीक है। तो ऑल पिजन्स आर क्रॉस, अब ऑल पिजन्स और क्रॉस को हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा पिजन्स है तो सारे के सारे जो पिजन्स हैं वो मेरे क्रोज आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे पिजन्स जो हैं वो मेरे क्रोज में आ जाएंगे। और नो क्रो इज अ बर्ड, कोई भी क्रो जो है, ठीक है, कोई भी क्रो जो है वो बर्ड नहीं है, ये हमारे यहाँ पर डायग्राम जो बन गया है। अब पूछा गया आपसे यहाँ पर कंक्लूजन, सम क्रोज आर पिजन्स, कुछ क्रोज पिजन, तो ये रही क्रोज और ये रही पिजन्स, तो क्या कुछ क्रोज पिजन्स है? बिल्कुल होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट जो है क्रोज का वो पिजन में भी आएगा, ठीक है। सम पिजन्स आर बर्ड्स, कुछ पिजन्स बर्ड्स होंगी, जब सारे के सारे पिजन्स हमारे क्रोज के अंदर हैं और किसी भी क्रो का जो हमारा रिलेशन बर्ड से नहीं है तो पिजन का रिलेशन क्या होगा? बर्ड से नहीं होगा, तो सेकंड मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो पिजन इज अ बर्ड, कोई भी पिजन जो है वो बर्ड नहीं है, अब बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि ये जो पिजन है, ठीक है, कोई बर्ड नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही है, मतलब ठीक है ना, क्योंकि कोई पिजन हमारा बर्ड नहीं है तो ये भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा मेरा जो कंक्लूजन है बिल्कुल ठीक है, तो वो है मेरा फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन मतलब फर्स्ट एंड थर्ड विल फॉलो, ठीक, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम यहां पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन आ गया यहां पर, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको यहां पर 3 और 2 5 नंबर आपको यहां गिवन है, छठा नंबर आपको जो है बीच का उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। 68 है, 77 है, 89 है, 105 है, फिर गैप है, फिर 153 है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सीरीज को करने का एक बहुत बेसिक फंडा होता है, एक बहुत बेसिक तरीका होता है, उसको हम कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं हमारे, है ना, उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम उससे हम एनालाइज करते हैं कि हमारा वो जो डिफरेंस है वो सेम है या बढ़ रहा है या घट रहा है, बेसिकली डिफरेंस इज द मेन की टू सॉल्व एनी सीरीज, है ना। चलिए, 68 77 कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 9 का डिफरेंस है। 77 89 कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 18 और 65 कितना डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 9 और 3 12 12 और 4 16, तो पहले 3 है फिर 4 है, मतलब एक एक का डिफरेंस जो है वो मेरा बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये हमें निकालना है,
तो यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए, पांच का होना चाहिए। यहां डिफरेंस पांच का है, 16 और पांच 21, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और 105 और 21 का मतलब यहां जाएगा 126। और इसको प्रूफ करने के लिए कि हमने सही किया है, मतलब अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने ये ठीक किया है नहीं किया है, हम क्या करेंगे, यहां पर यहां पांच था तो यहां डिफरेंस होगा 6 का, यहां 6 का तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 27 का, और 126 और 27 कितना होता है 153 होता है। तो 126 विल बी द राइट मिसिंग नंबर वी वर लुकिंग फॉर। तो ये हो जाएगा हमारा 126, ठीक है। चलिए, तो आपका एग्जामिनेशन है, रही बात हमारे कोर्स की, तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 6 पीवाईक्यू में हम आपको डिटेल जो सॉल्यूशंस हैं हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 4000 क्वेश्चंस हैं, मतलब सेक्शन टेस्ट आपके क्या होते हैं कि आपको जो हर एक सेक्शन है उसके अंदर हम आपको, ठीक है, बहुत सारे जो 20-20 के सेट में या 40-40 के सेट्स में हम आपको क्वेश्चंस वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर जो है वो आगे के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फैकल्टीज है, ठीक है, ईशान गुप्ता, धीरज सिंह, नवीश वास, विपिन नत्तेवाल, विक्रम सिंह, तुषार शाह, अश्विनी पुंडीर यानी कि मैं, और अमित पांडे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है, इनको आपको ऑनलाइन कोर्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको जाके इसमें आप जाइए एक बार हमारे मॉक टेस्ट को ट्राई कीजिए, एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9205524028, और ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका ये हो जाएगा इफ यू गेट सेलेक्टेड इन दिस जॉब, ठीक है। तो हमारा काम तो बस आपको पढ़ाना ही है, तैयारी कराना है, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर विद अस 50% फास्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपसे यहां पूछा गया है कि ये जो आपका पैटर्न जो गिवन है ना, इसमें ये पैटर्न बिल्कुल सेम है, अब या वो ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब किसी भी तरह से वो हो सकता है, या आपको निकालना है और आपको इस पैटर्न के बेस पर अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन मार्क की आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। 9 है, 7 है, फिर 79 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 71 है, और उसके बाद फिर आपका 6 है और 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपकी पहली अप्रोच क्या रहनी चाहिए, मतलब आप किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा गाइड कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं, है ना, ऐसे आते हैं, तो क्या मुझे 976 789 में कुछ रिलेशन मतलब मिल रहा है, ऐड करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ मिल पाएगा। तो मैं राइट टू, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, ठीक है ना, मैं अक्रॉस ऐसे चलता हूं इस तरह से, ठीक है। चलो, 9 और 7 16 होते हैं, तब भी कुछ नहीं बैठ रहा, मल्टीप्लाई करके देखूं 9 7 63, 9 7 63 होते हैं, बट 63 और 710 में अब भी कुछ नंबर्स का डिफरेंस है, तो मैं शायद कुछ मैं पास पहुंच गया हूं, लेकिन बिल्कुल पास में नहीं पहुंचा हूं, तो कैसे मैं करूंगा इसको। देखिए 9 7 63 है ना, और अगर मैं 9 और 7 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये आएगा मेरा 16, और 63 और 16 मेरा होता है 79, आ गया 79, ठीक है। ये अब इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, कैसे भी किए, कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि कैसे आप चीजों को मतलब फिट बैठा रहे हैं, और हर एक पैटर्न जो है, हर एक चीज जो है वो वहां पर सेट बैठनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप तुक्का लाओ, बट तुक्का जो है आपका ना वो पूरे के पूरे क्वेश्चन में बैठना चाहिए, फिर ये नहीं कि आपने कि मैंने यहां पर तो ये लगा दिया और नेक्स्ट में वो नहीं बैठा और फिर मैंने सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। अगर तीन क्वेश्चन की, अगर तीन पार्ट गिवन है, चार पार्ट गिवन है, पांच पार्ट गिवन है, तो पांचों के पांचों में सेम प्रोसेस चलना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वो क्वेश्चन ठीक बैठेगा, ठीक है। 7 8 56 56 में अगर मैं कितना ऐड करूंगा 15, तो मेरा कितना आएगा, तो मेरा 71 आएगा, तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूं मैं। अब मुझे क्या करना है, 6 और 9 की मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस उनमें मुझे इन दोनों का ऐड, इन दोनों का मुझे एडिशन कर देना है, तो दैट इज 6 9 54 और प्लस 15, ये आ जाएगा मेरा 69, ठीक है कहीं पर 69, बिल्कुल है, फर्स्ट पे है, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हरिद्वार इज रिटन एज FCPKBYYT देन हाउ विल बीकानेर बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। हरिद्वार को मैंने ऐसे लिखा है, तो बीकानेर को मैं कैसे लिखूंगा, चलिए हरिद्वार, लिख दिया, चलो अब लिखता हूं किसको, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, इसको मैंने ऐसे यहां पर कोड किया गया है।
अब मुझसे पूछा गया है कि इन दोनों पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मुझे वो निकालना है तभी मैं उसको बीकानेर में लगा पाऊंगा, है ना। चलो तो एच और एफ में कितना डिफरेंस होता है, अगर मैं मुझे एच से एफ पे जाना है तो मुझे माइनस वन जाना पड़ेगा क्योंकि एफ जी एच, ठीक है। ए से मुझे सी पर जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस वन जाना पड़ेगा ए बी सी। आर से पी जाना तो माइनस वन जाना पड़ेगा पी क्यू आर। आई से के जाना है तो प्लस वन, ठीक है। डी से वो जाना है माइनस वन। डब्ल्यू से वाई जाना है प्लस वन। ए से वाई जाना है माइनस वन और आर से टी जाना है प्लस वन। तो देख रहे हैं पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, इस तरह से आपकी सीरीज है वो आगे बढ़ती जा रही है ना। तो ये है अब यहाँ पर क्लियर है। अब ट्राई करते हैं बीकानेर को, ठीक है। तो बीकानेर में भी सेम चीज जो है अप्लाई होनी चाहिए। ये मेरा बीकानेर है, पहले है माइनस वन तो बी से एक माइनस गया ए, उससे पहले आएगा जेड। अब बस इतना ही करना है, ये मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं, ऑप्शन में आ जाओ फटाफट से। जेड सिर्फ एक में ही है, आंसर आपका आ गया खत्म। कुछ आपको आगे कुछ करना ही नहीं, क्रॉस चेक करना तो एक और कर लो, अगर करना हो तो आई प्लस वन जे तो आ जाएगा के, तो जे के बिल्कुल ठीक है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं ना तो ऑप्शंस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन से आपका आधा सवाल ना वही खत्म हो जाता है, आधे आपके ऑप्शन जो है वही आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। बट आपको ऐसा सब में नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वगैरह बहुत बड़ा जा रहा है तो इसको आप, मैंने तो एकदम से उसको बोल दिया कि आप जेड पे चले जाओ, है ना। बट आपको, आप खुद से बेसर ना करना चाहें तो आप तीन नंबर निकालो फिर आप चेक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जेड के आई जेड के आई जेड के आई तीनों में आपको दिया होगा, बट यहां पर एक में गिवन है तो बस एक को करो और आगे चलो, टाइम बच गया ना आपका। तो ये भी इसका फायदा होता है कि आप ना आधे क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया, चलो नेक्स्ट। 46 और 82 और 154 इनमें क्या कॉमन है जो कि मेरा इन चार ऑप्शन में कॉमन होगा, कहने का मतलब मेरा यहां पर यही है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। मतलब ये यहां पर, ये मतलब मेरा ये है बस यहां पर कि मुझे यहां पर ये बताना है कि ये जो सेम गिवन है वही सेम यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर उल्टा हो गया है बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसको बस ऐसे समझिए, ठीक। तो 46 है, 82 है, 154 है, कैसे इसको मैं करने की यहां पर कोशिश करूंगा, कैसे मेरा क्वेश्चन यहां पर इसका आंसर आ सकता है। चलो मैं क्या करता हूं, मैं इन नंबर्स का सम कर देता हूं, ठीक है, इनका मैं सम करता हूं। तो 6 और 4 10, 8 और 2 10, 5 और 4 9 और 1 10। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, तीन नंबर मेरे पास यहां पर गिवन है मुझे और तीनों के तीनों का जो सम है वो मेरा 10 आ रहा है, ठीक, मतलब सेम है। अब या तो जो आपके चार ऑप्शन है इनका सम सबका 10 आना चाहिए या फिर सबका सम जो है बराबर आना चाहिए, तभी आपकी जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो पाएगी। तो करते हैं इसको, ये सात है, तीन और तीन छह और एक सात, ये भी सात आ गया, बट 8 और 5 13 और 2 15 तो ये तो गलत, ठीक। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 4 और 4 8, ठीक है, ये हो सकता है मेरा। 8 और 6 14, 9 और 5 13 और 1 14, 3 और 3 6, ये गलत, और 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये भी गलत। तो बस ये आ गया आपका सेकंड वाला, बट इसमें क्या है पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, बस 10 नहीं आ रहा, बट लेकिन जो उनका सम है वो तो मेरा 8 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है वो मेरा इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वन, ओके। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ आयरनिंग इज रिटन एज ओ डब्ल्यू एस क्यू के ओ जी, तो फिर मैं शरीफ को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम आयरनिंग जो लिखा है, आयरनिंग बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है, आई आर ओ एन आई एन जी, इसको मैंने कोड कैसे किया है, ओ डब्ल्यू से, एस से, क्यू से, के से, ओ से और फिर जी से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कोड किया है। तो मुझसे पूछा गया कि शरीफ का कोड यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब इस तरह, अब जब हम बात कर रहे हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की या फिर हम रीजनिंग की अगर बात करें तो हमें उसमें क्या करना होता है, मैं आपको समझा दूं, आपको क्या करना होता है कि आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, आपको अपने अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं, जो उनकी सीरीज है, आपको उनको क्या करना होता है, आपको उनको याद करना होता है कि कौन सा नंबर आपका किस जगह पर आ रहा है, किस नंबर के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है और नंबर्स में कितना गैप है, ये आपको याद होना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका ये टॉपिक जो है वो आते हैं, क्योंकि यहां से आपको ना आपका टाइम बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं उसको उल्टा स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ये नंबर मेरे सेम है, ठीक है, ये नंबर मेरे सेम है, ठीक है, एन के बाद ओ आता है, ठीक है, मतलब एन के बाद ओ आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, फिर के आ रहा है, प्लस टू हो रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू प्लस थ्री आ रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर एस प्लस फोर आ रहा है, आर के बाद एस टी यू वी ओ डब्ल्यू प्लस फाइव आ रहा है, और
आई के बाद ओ, आर के बाद डब्ल्यू, और आई के बाद ओ, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ये हमारा छह आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है कि पहले में जीरो का डिफरेंस, फिर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इस तरह से जो सीरीज मेरी वो चल रही है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं एफ तो मेरा एफ आ जाएगा सेम, ठीक है, एफ तो मेरा एफ आ जाएगा सेम, इसके बाद एच, ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही करता हूं, ठीक है, सॉरी एक नंबर एच नहीं, एफ के बाद जी आता है, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा जी। अब अगर मैं सिर्फ इसको इतना ही करता हूं तो बस इसको वहां से आप चेक कर सकते हैं, लास्ट के मेरे दो नंबर जी और एफ होने चाहिए, लास्ट में दो नंबर जी और एफ होने चाहिए, ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर जो है वो हो जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपका पैटर्न है, ये आपका ऐसे फुल होगा, और जी और एफ किसी में आ नहीं रहा, बस आई आ रहा है, आई मेरा यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बैठता इसका, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आगे करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ बैंक इज कोडेड एज 32 एंड ब्रेक इज कोडेड एज 42 देन हाउ कुड क्लेवर बी कोडेड। ठीक है, बैंक को मैंने 32 कोड किया है, ठीक है, ब्रेक को मैंने 42 कोड किया है, कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, बी आता है दो पे, ये आता है एक पे, एन आता है 14 पे, ये आता है मेरा सॉरी ये आता है मेरा, ठीक है, 11 पे। ठीक है, आपको अगर यहां पर जो क्वेश्चन जो गिवन होते हैं है ना, और आपको एक पर्टिकुलर कोई नंबर में अगर एक कोड गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, इन सबको आप ऐड करने का ट्राई कीजिए, और ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहां पर हिंट क्या मिलेगा, दो और एक तीन, तीन तेरह, तीन और चौदह सत्रह, सत्रह प्लस ग्यारह, ये आ रहा है मेरा 28। चलो कोई बात नहीं, ठीक है 28 आ रहा है, आगे चलते हैं, करते हैं ब्रेक को, दो है 18 है, एक है 11 है, पांच है 18 और दो 20, और 12 और पांच 17, ये आ जाएगा आपका 37। ठीक है, आना चाहिए 42, यहां पर आना चाहिए मेरा 32। यहां कितने का डिफरेंस है, चार का डिफरेंस है, वहां कितने का डिफरेंस है, पांच का डिफरेंस है। अब आप नंबर पे आ जाइए, बैंक में हमारे चार नंबर यहां पर गिवन है, ठीक है, चार अल्फाबेट्स हमारे होते हैं बैंक के अंदर, ब्रेक मेरे पांच होते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका आपके अल्फाबेट जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी पोजिशनल वैल्यूज है आपके यहाँ पर अल्फाबेट्स की, ठीक है, उस वर्ड की पर्टिकुलर, उसको मैंने अगर यहां से ऐड कर दिया तो मेरा जो कोड है वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 28 से मैंने चार को ऐड किया 32 आया ब्रेक, और 37 से मैंने पांच को ऐड किया ब्रेक आया, तो सब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्लेवर का जो नंबर है उनको निकालना है, और उसमें मुझे प्लस एक दो तीन, ठीक है, फिर मुझे उसमें छह को ऐड कर देना है, ठीक है, सिक्स को मुझे उसमें ऐड कर देना है। ठीक, कैसे होगा, अब ये क्लेवर है तीन, एल है मेरा 12, ये है मेरा 5, वी है मेरा 22, ई है मेरा 5, ये है मेरा 18, ठीक है, 12 और 3 15, 27, 33, ये हो जाएगा मेरा 60, और ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 15 यहां पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 75। ठीक, मैं शायद कुछ गलत कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है, 12 और 3 15 और 5 20 27, सर ये 23 है, ठीक है, ये मेरा 23 है, 33 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा 50, तो आ जाएगा मेरा 65। अब 65 में अगर मैं एक दो तीन छह को ऐड करता हूं तो मेरा 71 यहाँ पर जो है इसका आंसर वो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑरेटरी इज कोडेड एज 116, रेवेन्यू इज कोडेड एज 119, देन हाउ विल आई आर आई डी ओ एल ओ जी आई को मैं कैसे कोड करूंगा। ठीक है, तो करते हैं इसको भी, कैसे होगा हमारा क्वेश्चन, ऑरेटरी कितना होता है, इसको हम यहाँ पर 116 जो है कोड किया हुआ है। ठीक है, तो ओ मेरा आता है कितने पर, 15 पे, ये आता है मेरा 18 पर, ये आता है मेरा 1 पर, ये आता है मेरा 20 पर, ये मेरा आता है 15 पर, ये आता है मेरा 18 पर, ये आता है मेरा 25 पर, ऐड करता हूँ उनको 18 15 33, 21 और 15 ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा मेरा 43। ठीक है, तो 3 6 9 3 6 6 12, 5 3 8 3 11, 112 आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या आ रहा है मेरा, 112 आ रहा है, लेकिन आने कितना चाहिए 116, कोई बात नहीं, चार का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। ठीक है, बट लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने उन नंबर्स को ऐड किया था जो हमारे उस पर्टिकुलर हमारे वर्ड में जो है वो गिवन थे, तो ये तो यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर तो हमारे ऑलरेडी 8 नंबर, 3 और 4 7 नंबर गिवन है। ठीक है, बट चार का डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे कि 112 आया था तो 116 चार का डिफरेंस था। ठीक, अब यहाँ पर कहीं जगह नहीं है तो मुझे हटाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर 112 यहाँ लिख देता हूँ 116। ठीक है, आते हैं रेवेन्यू के कोड पर, आते हैं रेवेन्यू के कोड पर, 18 हो गया, 1 हो गया, 22 हो गया, 5, 14,
तो वो आता है मेरा 15 पर, यू आता है मेरा 21 पर, ऐसा आता है मेरा 19 पर, ठीक है। 21 और 19 मेरा कितना हो जाएगा 40, 29, 27 और 19, 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 9, 4 और 2 6, तो 9 और 6 15, 5 4 9 और 1 6 और 4 10 और 1 11, 115 आ रहा है मेरा, और आने कितना चाहिए 119। तो डिफरेंस अगर यहां पर देखेंगे आप, 4 का डिफरेंस है मेरा, ठीक है। मैंने नंबर्स को सबको ऐड किया, सबका जो सम है उसमें उसमें और हमारे कोड जो हमारे गिवन है उसमें 4 का डिफरेंस है। तो यही हमारा कोड यहां पर हमें मिल गया है कि अगर मैं आई आर आई डी ओ एल ओ जी वाई को अगर मैं कोड करता हूं और उसमें मैं प्लस 4 करता हूं तो मेरा आंसर यहां पर जो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। आई होता है मेरा 9, 18, 9, 4, 15, 12, 15, जी होता है मेरा 7 पर, ठीक है, और वाई होता है मेरा 25 पर, ठीक है। अगर मैं सबको ऐड करता हूं, 18 18 18 36, 16 और 15 31, ठीक है, और 25 और 15 हो जाएगा मेरा 40 और 7 47, ठीक है। 6 और 1 7 और 7 14, 4 और 3 7 और 3 और 1 11, 114 है मेरा, और मुझे क्या करना है इसमें प्लस का मुझे 4 कर देना है, तो प्लस का 4 करूंगा तो आ जाएगा मेरा 118, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस नंबर से मुझे इस नंबर को बताना है कि ये जो मेरा जो रिलेशन है वो मेरा इन में से किस में जो मेरा वो सेम आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन जो है वो किस में सेम है, ये आपको यहां पर बताना है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। 84 है, 84 रिलेशन 96 से कितना होगा, जो कि इन चारों से होगा, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए इसको, ठीक। तो यही था हमारे आज के सेशन में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हुए थे, जो पीछे आए हुए थे वहां से मैंने कुछ आइडिया लिया और मैं आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो लेकर आ गया, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि आपको और आपको आइडिया लग जाए कि इतना कुछ मतलब इतने हार्ड लेवल के आपके क्वेश्चन जो है मतलब इस पार्ट से तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कुछ भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।